नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम आपको एक और खास मेहमान से मिलवाएंगे, मुंबई के आईपीएस और प्रदेश के विशेष पुलिस महानिरीक्षक केसर खालिद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। शुक्रिया। केसर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और ये इंटरनेशनली हॉटस्पॉट बन चुका है। मुंबई में तकरीबन 34,000 लोग संक्रमित हैं और 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले। आखिर महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पर ऐसी स्थिति क्यों बनी है? क्यों देश में जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है वो महाराष्ट्र क्यों बना है, खासतौर पर मुंबई? देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बीमारी आई है ये बाहर से आई है, तो जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, स्टॉप ओवर्स हैं, वो मुंबई में बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये देश का बिजनेस नर्व सेंटर है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लायर्स आते और जाते हैं। मेडिकल टूरिज्म का बड़ा ये सेंटर है, टूरिज्म का बड़ा सेंटर है, एजुकेशन का बड़ा हब है, तो इसके कारण फॉरेन से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। और जो केसेस शुरू शुरू में हुए वो इसी किस्म से हुए जो फॉरेन ट्रैवल के लोग हैं। दूसरा, अगर आप ये देखिएगा कि जो हमारे देश के दूसरे शहर हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, वहाँ ज़मीन है, स्पेस है, वो शहर बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआर बढ़ के कहाँ से कहाँ हो गया। मुंबई का ग्रोथ वर्टिकल है, मतलब छोटे से एरिया में 105 फ्लोर की बिल्डिंग तक बन रही है और उसके कारण यहाँ कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब इस बीमारी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सोशल डिस्टेंसिंग की है। अब धारावी जहाँ पे के 2000 के आसपास के मामले हो गए हैं या दूसरे स्लम्स जहाँ हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट ही अनवर्केबल है। कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, सैकड़ों लोग उस टॉयलेट को यूज़ करते हैं, छोटे छोटे घर हैं। आप जानते हैं कि यहाँ जो स्लम रिहेबिलिटेशन है वो 269 स्क्वायर फीट का घर हुआ करता था, मिला करता था। एक परिवार में आप 5 आदमी, 6 आदमी अगर आप जोड़ लीजिएगा तो आदमी कितनी दूरी पर कौन रख सकता है। एक बहुत बड़ी और वजह इसमें यहाँ पे जो रही है वो ये है कि यहाँ पे शहर के अंदर जिसको आप कहिए कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। लेबर बड़े हॉल में 50ों की संख्या में रहते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं, शिफ्ट में सोते हैं। एक ज़माने में सेलमपुर की जैसी हालत दिल्ली में हुआ करती थी। तो इसके वजह से क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट से फैलता है ये बीमारी जो फैलती है, इसमें जल्दी पता नहीं चल रहा है और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 दिन का है। अच्छा, मुंबई में अगर आप, बल्कि महाराष्ट्र में आप देखिए कि पूरे कंट्री में जो एवरेज है पर मिलियन टेस्ट कितना हुआ है, मुंबई और महाराष्ट्र देश के दूसरे राज्यों से बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे यहाँ टेस्ट भी ज़्यादा है, उसके कारण हमारे यहाँ रिकवरीज भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप ये देखिएगा कि इस बीमारी में जो मेन प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनका आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसे शहर में जो कि वर्टिकली ग्रो कर रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, ना सिर्फ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी, कि कंटेनमेंट जोन को इस्टेब्लिश करना, वहाँ पर मूवमेंट्स रोकना, वहाँ पे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी शहरों के मुकाबले में मुंबई में बहुत डिफिकल्ट हैं। लेकिन अगर आप देखिए पिछले 2 दिन के ट्रेंड्स, तो केसेस घट रहे हैं। जो 2000 के आसपास केसेस मुंबई में हुआ करते थे, 1600-1700, वो घटकर 1000-1100 के आसपास के रेंज में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि पहले हम एक पॉजिटिव केस में जो नंबर ऑफ आइसोलेशन करते थे या क्वारंटीन करते थे उसको 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, ये वार फुटिंग पे चल रहा है। अगर आज आप मुंबई आइएगा तो आपको जो पब्लिक स्पेसेस है, बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस में आइसोलेशन सेंटर बने हुए मिलेंगे। मुंबई का मशहूर गोरेगांव एग्जीबिशन ग्राउंड जो है, जहाँ की इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ करते थे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे आप देखिएगा सेंटर खुला हुआ है, रेस कोर्स में खुला हुआ है, बड़े बड़े मैदानों में खोल दिए गए हैं। तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो हो रहा है। इसके अलावा जो माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पे मुंबई में है, लाखों की तादाद में है। अगर आप अभी देखिएगा, कई लाख लोग वापस जा चुके हैं और अभी भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिनको वापस जाना है। तो ये स्लम्स में, ये बहुत कंजेस्टेड एरियाज में लोग रहते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स यूज़ करते हैं,
कम्युनिटी सर्विसेज है उसको यूज करते हैं, और ऐसी जगहों पे जरा मुश्किल हो जाता है कॉन्टैक्ट को डिसअलाउ करना। तो इसलिए मुंबई की जो प्रॉब्लम है वो एक तो देश में जैसी प्रॉब्लम वो है ही, लेकिन इसमें इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि एक मेट्रोपोलिस का जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और जिसमें कि कंजेशन बहुत ज्यादा है, ये इसका बड़ा यूनिक सा चैलेंज है। जी कैसे जी, आपने दो बातें यहाँ अहम कही हैं कि माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं और वो हम देख रहे हैं, जगह जगह भीड़ इकट्ठी होती है, कभी स्टेशन के पास तो कभी और भी जगहों पर, मुंबई में हमने देखा है, तो माइग्रेंट्स की समस्या और ऐसे में पुलिस के लिए ये काम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है, तो इस समस्या को देखते हुए लोगों का जो जाना है वो बदस्तूर जारी है दूसरे प्रदेशों में मुंबई से, तो पुलिस के लिए चुनौतियां क्या है इस स्थिति में? एक आपको नरेट करता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक डीसीपी को फ़ोन किया एक काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आजकल पीआरओ बन गया हूँ, 250-300 कॉल मुझे रोज़ आते हैं, वो यूपी के रहने वाले अधिकारी हैं पैरवी के, कि ट्रेन में जगह दिला दो। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस के लिए पहला चैलेंज तो ये है कि जो वर्कलोड है माइग्रेंट्स के रजिस्ट्रेशन का वो बहुत ज़्यादा है। अब लाखों लोगों को रजिस्टर करना, उनके डेस्टिनेशन को सेग्रीगेट करना, ट्रेन जो अवेलेबल होती है उसमें बर्थ्स अलॉट करना, उनको मैसेज करना कि आपकी ट्रेन इतने बजे जाएगी, यहाँ से जाएगी, फिर उनको वहाँ पे वक्त से पहले लाना ताकि उनका टेस्ट वगैरह जो भी है वो हो जाए, उनको ट्रेन में बिठाना और यहाँ से सेफली रवाना करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा इशू है कि ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है इनको सिस्टमेटाइज करना कि लोग एक जगह पर जमा नहीं हों। तीसरी, आपको मालूम है कि रमज़ान की पूरी पूरा महीना चला गया और ईद आया, आपको मालूम है शॉपिंग का वक्त है, और रमज़ान में मुंबई में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी, यहाँ पे अफ्तार में लोग जमा होते थे, यहाँ ईद की शॉपिंग होती थी, यहाँ पे खाने की एक मशहूर गली है खाऊ गली, जहाँ के देश से लोग आते हैं खाने के लिए, ये ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ के कल्चर में हैं। अब अचानक से आप एक लॉकडाउन की स्थिति फेस कर रहे हैं, शायद लोगों ने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, तो उसमें एक तो एजिटेशन फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में है क्योंकि अचानक से वो घर में रहने के लिए मजबूर हो गए। आप ये समझिए कि मुंबई अगर आप देखिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ट्रेनों में जितने भर भर के लोग आते हैं काम करने के लिए, ऑफिसर्स जाने के लिए, और फिर शाम को वापस जाते हैं, तो यहाँ का वर्क कल्चर बड़ा हेल्दी सा है और आदमी काम के बिना बहुत देर नहीं बैठ सकता है, ये एक बड़ी मजबूरी इंसान के साथ है। तो इसको इन्फोर्स करना, उसको समझाना, उनके पेशेंस के लिए टेस्टिंग भी है। और आप ये समझिए कि हमें मालूम नहीं है एज पुलिस मैन के कौन सा आदमी कैरियर है कोरोना का, तो हम उसके पास भी जा रहे हैं, उससे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, उसकी चेक भी कर रहे हैं और अपने आप को हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो सिर्फ मुंबई में 1000 के आसपास तो हम पुलिस के लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, 3,500-4,000 के आसपास लोग क्वारंटीन है। पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा तो नंबर और ज्यादा हुए हैं, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से इसे भी मैनेज किया जा रहा है? आपको खुद की भी सुरक्षा करनी है और दूसरों को भी सहायता पहुंचानी है, उनकी भी सुरक्षा करनी है। इसमें तो एक तो पर्सनल जो केयर की इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, और जहां पे जरूरी हो फेस का जो हम लगाते हैं किट, मेडिसिन, इन सब की व्यवस्था की जा रही है, और साथ ही साथ एक डिस्टेंस से कैसे हम चीज़ों को कर सकें, ग्लव्स लगाते हैं हम, चेंज करते हैं चीज़ों को। अब आप देखिए कि रोड पे लोग हैं, क्योंकि चेकिंग तो रोड पे होने वाली, गर्मी का सीजन है, हीट है, तो वहाँ पे स्टॉल लगाना, वहाँ पानी की व्यवस्था करना, और अगर किसी को लक्षण आ रहे हैं तो इमिडिएटली उनको टेस्टिंग के लिए लेके जाना, उनको क्वारंटीन करना, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। अगर आप कभी मरोल जाएं, मरोल में एक बहुत बड़ा सेंटर सिर्फ पुलिस के लिए खोला गया है, कलीना में खोला गया है, जहाँ के हम लोगों को क्वारंटीन करते हैं। इसके अलावा चूंकि अब आप समझ लीजिए कि 3,500-4,000 लोग अगर क्वारंटीन हो गए हैं तो उतना फोर्स घट गया है, तो उसके कारण गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि मंत्रालय के एक काफ़ी बड़ी तादाद में अधिकारी और कर्मचारी ये पुलिस में डिटेल किए गए हैं मदद करने के लिए, काम करने के लिए। तो अगर आप आज पुलिस स्टेशन में जाइएगा तो आपको मंत्रालय के जो क्लरिकल स्टाफ है अंडर सेक्रेटरी तक, वो बड़े बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे और ये रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे होंगे, ये लोगों को जो घर भेजने का है वो काम करवा रहे होंगे, ये जो कोऑर्डिनेशन है विद सिविल अथॉरिटीज, विद रेलवेज, इन कामों में हमारी मदद कर रहे हैं।
तो एक बड़ा यूनिक सा क्राइसिस है जिसके लिए शायद हम लोगों ने कभी ट्रेन नहीं हुए, मतलब पुलिस में कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर आप देखिए लास्ट प्लेग इंडिया में जब हुआ था बहुत मेजर, तो उसको भी गए हुए कई साल हो गए, और सूरत का प्लेग आपको मालूम है उसको भी कई डिकेड्स हो गए उसको खत्म हुए। तो एक तो ये डिसास्टर ऐसा है कि इस डिसास्टर में आपका एनिमी अननोन है। बाकी जगह पे पुलिस में क्या होता है, हमको एनिमी नोन होता है, वो टेररिस्ट हो सकता है, वो क्रिमिनल हो सकता है, वो कोई लॉ ब्रेकर हो सकता है, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके खिलाफ प्रिकॉशंस ले सकता हूँ, मुझे उसकी मूवमेंट्स मालूम है, मैं ट्रेंड हूँ कि वो किस ढंग से बिहेव करेगा तो मुझे उस पर क्या रिस्पॉन्स करना है। मगर कोरोना के खिलाफ तो शायद मैं पहली बार ये लड़ाई में उतरा हूँ। तो एक बहुत मेजर इशू इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन का है, अपने आप को हेल्दी रखते हुए लोगों की सेवा करने का है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहेवियरल साइंस में जिसको आप कहते हैं ना, कि बहुत बड़ा टेस्ट है हमारे खुद के पेशेंस का, हमारे खुद के परसुएसिव स्किल्स का। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, समझाना, परेशान नहीं होने देना। अगर आप देखे लोग एजिटेट हो जाते हैं, अभी जिनको घर जाना है, अब चूंकि खुद हम लोग रोज सैकड़ों फोन आते हैं, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में बिहार के लेबर यहाँ पे हैं, अब हमको डांट डपट भी करते हैं, कभी सर अभी तक नहीं हुआ है। अब उनको समझाना, पेशेंस से रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या स्टेप है, तुम्हारा फॉर्म किधर है, मोबाइल नंबर तुमने उसको दिया था कि नहीं दिया था, किस पुलिस स्टेशन में है, फिर ट्रेन के शेड्यूल्स डिस्कवर करना और उसमें उनको डवटेल करना। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कि खुद हम लोगों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किल की यूज करने का मौका मिल रहा है, और ये हमारे लिए चैलेंज है। रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं केसर जी। इसके अलावा हम मुंबई के बारे में ये भी जानना चाहेंगे, आपने ये पहले ही बयां कर दिया है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वर्टिकली वो ग्रो कर रही है, धारावी जो सबसे बड़ी स्लम है एशिया की वो भी वहां है, और किस तरह रैपिडली वहां पर बहुत तेजी से मामले बढ़े ये हमने भी देखा। ऐसे कौन से मेन हॉटस्पॉट हैं इस वक्त मुंबई के अंदर जो सबसे बड़े चैलेंज हैं? देखिए अगर आप देखिएगा, एक तो स्लम्स जितने हैं उनमें एक मेजर इशू है। अब धारावी ले लीजिए, इनफैक्ट पहले तो आपको जानकर ताजुब होगा कि ये चीजें स्टार्ट हुई जो पॉश इलाके हैं वहां से, मुंबई में, क्योंकि ट्रेवलर्स तो इंटरनेशनल वहां थे। उसके बाद धीरे धीरे ये फैली। एक जमाने में आप देखिए, आपने सुना होगा वर्ली में कोलीवाड़ा है, वर्ली कोलीवाड़ा, वहां पे बहुत मेजर केसेस हुए। उसके बाद धारावी में केसेस हुए। अभी जो जो बाइकला का एरिया है, अगड़ीपाड़ा, नागपाड़ा, उधर उस एरिया में केसेस हैं। अब तो मुलुंड में, गोवंडी में, शिवाजी नगर में, ट्रॉम्बे में, फिर आप कुर्ला में, अंधेरी में, करीब करीब, मतलब कोई इलाका ऐसा नहीं है जो कि अनअफेक्टेड है, बस नंबर्स का फर्क है। लेकिन जहाँ जहाँ भी हमारे स्लम्स हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ द क्लोज सोशल प्रॉक्सिमिटी, ये हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है, और वहाँ पे इन्फोर्स करना क्वारंटीन को। अब आप देखिए कि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल कैरी किया कि होम क्वारंटीन। अब होम क्वारंटीन के लिए जो प्रिजम्पशन है वो ये है कि आपके घर में एक कमरा आपके लिए होना चाहिए जिसमें कि एक अटैच बाथरूम होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि वन रूम किचन में हम रह रहे हैं, अटैच बाथरूम कहाँ से आएगा? तो ये बहुत मेजर ह्यूमन इशू है कि हम होम क्वारंटीन भी करेंगे तो क्या घर है, क्या वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और दूसरा के नंबर्स क्या होंगे क्वारंटीन करने के। तो ये वो चैलेंजेस है जिसको अभी फैक्टर किया गया है, और इसी वजह से वार फुटिंग पे गवर्नमेंट ने क्वारंटीन सेंटर्स और उसके बाद आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो अभी इंटरनेशनल इवैक्यूएशन हो रहा है जिसमें मुंबई बहुत सारी फ्लाइट्स आई है, तो बड़े होटल्स जो हैं उन सबको टाई अप कर दिया गया है। बहुत नॉमिनल रेट में बड़े होटल में इन पैसेंजर्स को क्वारंटीन किया गया है। जो लोकल क्वारंटीन है वो भी, जो होटल चुके खाली हो गए हैं अभी, बुकिंग नहीं है, तो होटल्स लिए गए हैं, इन एडिशन टू जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स क्रिएट सेंटर्स क्रिएट किए हैं। तो अगर आप उतर करके देखेंगे तो ग्राउंड पे ऐसी रियलिटीज हैं जो हमको बहुत सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि इन सिचुएशंस में हम कैसे उसको फेस करें, कैसे कोप अप करें। ठीक, इसके अलावा सरकार किस तरह से पॉलिसीज अपनी, किस तरह से लोगों के लिए काम कर रही है, और पुलिस की क्या भूमिका इस वक्त नजर आ रही है वो भी हम आपसे जान रहे हैं। लेकिन अब मैं आपकी ओर से जो एक संस्था है पासवान यादव, उसकी तरफ से मिशन राहत चलाया जा रहा है और आप बड़े स्तर पर लोगों को खाना पानी और अन्य सुविधाएं दे रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, चूंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि मुंबई में काफी मुझे वर्क करने के एक्सपीरियंस है, द ग्रेस ऑफ गॉड, तो मुझे इनके स्लम्स के बारे में भी काफी आइडिया था। और जब ये लॉकडाउन आ गया
और जब ग्राउंड पे हम लोगों ने ये देखा कि लोगों को खाना नहीं है, पहला तो प्रॉब्लम खाने का था, तो खाना कैसे, तो हम लोगों ने शुरू में ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट किया। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें बहुत सारे ट्रस्ट ने हमें मदद की, टाटा ट्रस्ट ने मदद की, रिलायंस ने मदद की, और बहुत सारे एनजीओज ने मदद किया, संजीव कपूर का ट्रस्ट है, मशहूर शेफ, उन्होंने मदद की। तो हम लोगों ने पहले ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इंडिया में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें तो लोग जमा हो जाते हैं, लोग जमा हो जाएंगे तो फिर आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो लोगों को जमा ना होने देते हुए हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो लोकल एरियाज में जो वर्कर काम करते हैं, खासतौर से जो केबल और इंटरनेट के वर्कर हैं, उनको घर घर मालूम है किस घर में कितने लोग हैं। फिर हम लोगों ने एक लिस्टिंग की कि जरूरतमंद लोग किधर हैं, और उस लिस्टिंग के बाद हम लोगों ने मोटरसाइकिल्स, एक्टिवा, स्कूटर्स, इस किस्म के गाड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू किया पुलिस परमिशन लेकर, कि हमारे वॉलंटियर, हमारे वर्कर जाएंगे घरों में, जाकर नॉक करेंगे और ये राशन दे आएंगे। जब कुछ दिन गुजर गए तो फिर ये लोगों की शिकायत आई कि गैस नहीं है हमारे पास, केरोसिन नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे। तो फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अब प्रीपेयर्ड फूड देने का वक्त आ गया है, और ये हुआ कि करीब 30,000 लोगों को रोज हम लोग ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जब हम जाने लगे तो फिर ये चीजें आने लगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन चाहिए, चूल्हा चाहिए, केरोसिन खत्म हो गया है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा क्राउड फंडिंग भी करवाया और लोगों की मदद लेकर ये कोशिश की कि हम उसको कर सकें। फिर दूसरी चीज, क्योंकि एक नेटवर्क ग्राउंड लेवल पे हम लोगों का है, तो जिस एरियाज में लोग डिस्ट्रेस में थे, मुंबई में कहीं पे भी, तो वो मैसेज आता था, तो संबंधित डिप्टी कमिश्नर को हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि इस एरिया में इतने लोग फंसे हुए हैं, जरा इनका इंतजाम कीजिए। तो उस एरिया में जो राहत डिस्ट्रीब्यूशन काम चल रहा था तो वो उसको नेटवर्क कर लेते थे। और आपको ये जानकर ताज्जुब हो कि हमारे बैचमेट्स जो कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सर्विसेज में है, चाहे आईएएस में हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विस में हो, चाहे दूसरे सर्विसेज में, उनके मैसेजेस आते थे कि यार इधर इतने लोग फंसे हुए हैं, जरा इनका देखवाओ। तो ओवरऑल अगर आप मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का रोल देखिएगा इसमें, तो ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे आए, बल्कि हम लोग ये कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे कि जहाँ लोग फंसे हुए हैं, जहाँ लोगों के पास खाना नहीं है, वहाँ खाना कैसे पहुंचे, हमारे एरिया में कौन से लोग काम कर रहे हैं, और इनके काम के जो फल है वो हम उनको उन तक कनेक्ट करें। तो एक बड़ी कोशिश हुई। फिर खुद हम, हमारे पुलिस मैन हजारों की तादाद में ड्यूटी पे थे, तो उनके खाने का इंतजाम, उनके पानी का इंतजाम, उनके सैनिटाइजेशन का इंतजाम, उनके लिए ग्लव्स का इंतजाम, मास्क का इंतजाम, ये सारी चीजें हम लोगों ने कोशिश की टाइप करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि बड़े कॉरपोरेट्स, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये सामने आए, इन्होंने बड़ी मदद की पुलिस की। और एक मैं ये कहूंगी कि इंडिया जो है, इंडिया की जो रूट है, उसकी जो रूह है ना, वो देखने को मिली कि डिस्ट्रेस में जब लोग होते हैं तो लोग हर फर्क को मिटाते हुए, हर दूरी को भुलाते हुए सामने आते हैं और मदद करते हैं। जी यही जी शायद ये हमारी बात स्ट्रेंथ आप है। कैसर जी कह रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि ये स्थिति सभी के लिए नई है। ऐसे में जो इंसानियत का जो एक सही स्वरूप है, जो व्यवहार है, वो भी लोगों का निकल कर आता है। और आपने अभी उसे बताया कि कैसे कैसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को लेकर। और चलते चलते कैसर जी, हम ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि आपको गज़लों का और शायरी का बहुत शौक है, तो हम चाहेंगे कि एक शायरी आप ज़रूर इस परिस्थिति के लिए कहें, या फिर लोगों की हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कहें। देखिए, एक मतलब एक शेर सुन लीजिए जिसमें पैगाम भी है कि छुप के सीने में एक आँख सी तो रहे, छुप के सीने में एक आँख सी तो रहे, शहरे जा में कहीं रोशनी तो रहे। शहरे जा दिल का शहर, दिल है तो हम हैं, फीलिंग्स है तो हम हैं। तो छुप के सीने में एक आँख सी तो रहे, शहरे जा में कहीं रोशनी तो रहे, और यह है दौरे हवस। लेकिन ऐसा भी क्या, दौर है बस एज ऑफ ग्रीड, एज ऑफ डिजायर, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो जाए। तो यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो बहुत खूब, बहुत ये वो खूबसूरत कैसर मैसेज जी। है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ही सरल और साफ शब्दों में क्या मुंबई की स्थिति है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, और क्या आपकी योजनाएं हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया है। और बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज़ पर हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए।
सकते थे। कैसर खालिद, जिन्होंने बताया कि मुंबई की स्थिति फिलहाल क्या है, क्या कारण है कि मुंबई इस वक्त नेशनल हॉटस्पॉट बना हुआ है, किस तरह से काम किया जा रहा है, और उम्मीद हम करेंगे कि पूरे देश में ये जो एक संकट की स्थिति है, इसी तरह से इससे फाइट किया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए और आगे बढ़ा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। नमस्कार।